हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। छोले बनाने के लिए मैंने छोले लिए हैं, काबली छोले। ये रात को अच्छी तरह से धो के इनको रात भर पानी में भिगो दिया था। और ये एक आलू है, ये साथ में ही उबालना है। और इसके बनाने के लिए मसाले सब लिए हैं। ये 3 बड़े टमाटर है, पीस दिया है मैंने इनको। ये पीसे हुए मसालों से मैं बना रही हूँ। साबुत भी टमाटर काट कर भी डाल सकते हैं। और ये प्याज है, 1 बड़ी प्याज है, 1 चम्मच लहसुन है, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है, ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर है, और ये नमक चनों में भी डलेगा और उसमें भी कोई 1.5 चम्मच नमक है ग्रेवी में, और ये छोले मसाला है। ये मसाला हमारे चैनल पर डाला हुआ है इसलिए मैंने मसाले कम लिए। इसमें सारे मसाले इसके अंदर पिसे हुए हैं। ये मसाला इसमें मैंने 3 चम्मच लिया है। अब हम छोले उबलने के लिए रख देते हैं। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं और जो रात का पानी था उसको निकाल कर छोले इसमें डाल देते हैं। ये 250 ग्राम छोले हैं। इसको इतना पानी हमें लेना है कि छोले हमारे डूब जाएं, बस ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है। ये खाने का सोडा है, बेकिंग पाउडर, ये इसमें डालना है। ये बहुत टेस्टी इससे छोले लगते हैं, जायका भी बढ़ जाता है और फूल भी जाते हैं, जल्दी गल भी जाते हैं। और नमक अब हम डाल के उबलने रख देते हैं। अब इसको 5 सीटी हम लगा लेंगे छोलों में हमने उबलने का। गैस मैंने बंद कर दिया था 2 मिनट पहले और सीटी इसकी निकाल दी है ठंडा करके। छोले देख लेते हैं, छोले हमारे बहुत अच्छी तरह से उबल गए। अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक बात और आपको बता दूं, मैंने इसमें ये काले नहीं किए हैं, मैंने छोले में ऐसे ही छोले बना रही हूँ। अगर आपको छोलों को काला करना है तो चाय की पत्ती की एक मलमल के कपड़े में 4-5 चम्मच चाय की पत्ती डालिए और इसमें छोड़ दीजिए, तो छोलों का कलर एकदम काला हो जाएगा। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून गया। अब इसमें हम छोले डाल देंगे, छोले डाल देंगे इसमें हम, जो पानी है उसका छोले का वो भी सब इसमें डाल। और ये डालने के बाद अब जो हमारा ये छोले मसाला था ऊपर से हम थोड़ा सा ये भी डाल, और ये हरी मिर्ची हमारी ये भी डाल। यहाँ हम नमक टेस्ट कर लेंगे, अगर नमक थोड़ा कम होगा तो हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ा नमक इसमें कम था तो मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ, काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा काला नमक इसमें डाल। छोले बिल्कुल रेडी हो गए। इतना ही पानी इनमें रखना है। अगर आपको और थोड़ा पकाना है, खुशक करना है पानी, तो आप कर सकते हैं, वरना रखने से और ये गाढ़े हो जाएंगे। अब हम इसमें अपने फ्राई आलू डाल देंगे। ये पंजाबी छोले बने हैं, बहुत टेस्टी छोले बने हैं। ये गैस अब मैं बंद कर देती हूँ और आपको डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे टेस्टी छोले बने हैं, बहुत ही अच्छे इनका कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको ये डिश में निकाल कर दिखाती हूँ, आप इस तरह जरूर मेरी तरह ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये मेरे ये हमारे पंजाबी छोले बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हैं, आप इनको जरूर एक बार ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।